हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। कहाँ जा रहे हैं देखते जाओ वीडियो में। बेसिकली आज का जो दिन है वो बड़ा ही फन फुल एक्शन पैक्ड होने वाला है, और आज इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इतने सारे एक्टिविटीज है मेरे पास करने के लिए, तो क्यों ना इन सब चीज़ों को आज व्लॉग कर दिया जाए। तो अभी सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो ये है कि आज मुझे अपनी गाड़ी थोड़ी सी ठीक करानी है। और जैसे कि मैंने अपने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे ये गाड़ी वाड़ी ठीक कराने में या फिर गाड़ी वाड़ी का ना बड़ा शौक आता है, तो मैं अपनी गाड़ी जब ठीक करा जाता हूँ खुद ही कराता हूँ। तो आज प्लान ये है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं सर्विस स्टेशन जाऊँगा, गाड़ी ठीक कराऊँगा और वहीं पर से ही अपने नॉर्मल चैनल के लिए वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि नॉर्मल चैनल की वीडियो भी मैं मिस नहीं करना चाह रहा। और साथ ही आज मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। जगह क्या है, कैसी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है आई एम डैम श्योर। लेकिन दिल्ली की वन ऑफ द वेरी मेजर हाइलाइट्स है और मुगल टाइम्स का बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाई क्वालिटी सिनेमैटिक फुटेज आपको दिखाऊंगा, उसके लिए अपना कैमरा वगैरह भी साथ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ ताम झाम लेके जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन, लेट्स गो। वूहू। तो अभी हमारी गाड़ी को ये इसने गोदी में उठा लिया, इस मशीन ने। एक गोदी उठाने वाली मशीन है जो गाड़ियों को गोदी में उठाती है, जैसे माँ बाप बच्चे को गोदी में उठाते हैं वैसे ये गाड़ी को गोदी में उठा देती है। गाड़ी का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और गाड़ी का काम डन होने के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, ऐसे नहीं बताता, ज़रा खुद ही देख लो कहाँ हैं। हम लोग आज आ चुके हैं हुमायूं टॉम के पास, मतलब हुमायूं टॉम के ऊपर या फिर अंदर या फिर आगे, जो भी बोलना चाहो। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार कुछ अलग चीज़ आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे दिल्ली के बारे में, खासकर से ऐसा कोई मॉन्यूमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता हो। क्योंकि यार नॉर्मल वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं और कभी कभी कुछ हटके भी ट्राई करना चाहिए। आज मैं आपको घुमाने लेकर आया हूँ हुमायूं टॉम के ऊपर। हुमायूं टॉम जो कि बन के कम्प्लीट हुआ साल 1572 में, इसके बनने की शुरुआत हुई थी साल 1565 में। इसको बनाने के ऑर्डर्स पहली बार दिए हुमायूं की पहली वाइफ, जिनका नाम था बेगा बेगम ने। बेगा बेगम ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद हुमायूं टॉम बन के तैयार हुआ अकबर के कार्यकाल के अंदर। साल 1993 में हुमायूं टॉम को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके बारे में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये पहला गार्डन टॉम मॉन्यूमेंट था, और इससे पहले इतने मेजर लेवल का कोई भी गार्डन टॉम मुगल सल्तनत के अंदर नहीं बना था। और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अगर आप इसका डिज़ाइन ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है, हालांकि ये ताजमहल से कई साल पहले बनाया गया था। एक्चुअली एक डिज़ाइन है जिसकी शुरुआत इस टाइम पर हुई थी, उसके बाद इसी डिज़ाइन के ऊपर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने मुगल टाइम में, उसके बाद फाइनली क्लाइमैक्स तब हुआ जब ताजमहल को बहुत सारे एवोल्यूशन के बाद इस डिज़ाइन के बेसिस पे बनाया गया। लेकिन हुमायूं टॉम की जो खास बात है वो सिर्फ इस मॉन्यूमेंट के अंदर नहीं है, वो इस मॉन्यूमेंट के आसपास भी है। ये जो पूरी प्रेमाइसिस है, इसके कण कण में, इसके कोने कोने में सुंदरता भरी हुई है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, या फिर उसके साथ जा सकते हैं जिसे आप बेहद प्रेम करते हो। तो अभी हम लोग पूरा घूम चुके हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी जगह पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो इसमें ग्रीनरी लैंडस्केप डेवलप किया हुआ है वो अल्टीमेट है। मैंने आपको कुछ वीडियोस से दिखाने की कोशिश करी, और मेरे पीछे आप देख सकते हो द एपिक हुमायूं टॉम। इस जगह में इतनी सुंदरता है कि आप इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल ताजमहल जैसा ही दिखता है देखने में। आप लोग कभी हुमायूं टॉम नहीं आए होंगे घूमने के लिए, या फिर आपने दिल्ली में आके कभी नहीं देखा होगा हुमायूं टॉम, तो शायद मेरी वीडियो से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा कि एक्चुअली में कैसा लगता है हुमायूं टॉम। Oh, oh, oh.
इसके अलावा इसी प्रेमाइस के अंदर एक और टोम बना हुआ है जिसका नाम है ईसा खान न्याजी टोम, जो कि साल 1547 में बनकर तैयार हुआ था। हुमायूं टोम जाने के लिए आपको एक छोटा सा टिकट खरीदना पड़ेगा जिसका दाम है 40 रुपए ओनली। तो वेट किस बात का कर रहे हो यार, अगर आप लोग दिल्ली में नहीं रहते तो दिल्ली आओ, हुमायूं टोम देखो। और अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो और आपने हुमायूं टोम नहीं देखा तो फिर क्या खाक दिल्ली में रहते हो। इस टोम के सामने एक और बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम है सुंदर नर्सरी। ये जगह अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस वीडियो में मैं इस जगह को कवर नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज का ट्रिप टू हुमायूं टोम खत्म हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। बहुत ज्यादा गर्मी थी, वी चोज द रॉन्ग डे टू विजिट हुमायूं टोम, बट बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा फन था और बहुत ही अलग अलग चीज अलग अलग मुझे भी देखने को मिली। और आई होप कि जो ब्यूटी थी हुमायूं टोम की वो आपको भी देखने को मिली होगी। अब फाइनली मैं ये पाइनएप्पल और मौसम्बी का जूस पी रहा हूँ क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ, और मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज को लेकर, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सीनरीज को अपने दिमाग में लेकर, उनकी मेमोरीज को लेकर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर नहीं पसंद आया हो तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। अगला व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक और जगह घूमने जाने वाले हैं। कौन सी जगह घूमने जाने वाले हैं बहुत जल्द बताऊंगा आपको इसी चैनल के ऊपर।